सितारगंज की, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बीते कुछ दिनों से बदले मौसम के चलते मरीजों की भीड़ देखने को मिली है और अचानक बारिश आने से मौसम में बदलाव भी देखने को मिला है, जिसके कारण वायरल फीवर भी बढ़ रहा है। चिकित्सक अभिलाषा पांडे ने कहा कि ग्रामीण इलाकों से सर्दी खांसी और वायरल फीवर के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिन्हें दवाई भी दी जा रही है। सितारगंज से जफर अंसारी की रिपोर्ट। मरीज जाना है, डेंगू का अभी हमारे पास कोई एक्टिव केस नहीं है और डेंगू के लिए हमारी स्थिति जो अभी कंट्रोल में ही चल रही है। और वायरल फीवर थोड़ा जॉइंटिस के पेशेंट है हमारे पास और आज क्योंकि सोमवार है तो आज ANC भी काफ़ी आएगी। अभी पहले से काफ़ी स्थिति हमारी कंट्रोल में है, आँख के भी जो बीच में आई फ्लू चला था अभी वो कंट्रोल में, अभी दिन में एक आधी कोई पेशेंट आ रहा है, नहीं तो इस टाइम नहीं है।